लॉकडाउन अब दूसरे पारी में और भी आक्रमण हो रहा है। ऐसे में हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण प्रतीत हो रहा है। एक तरफ जहां लोग अपना परिवार खर्च चलाने से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गोपाल राउत जैसे समाज सेवी लगातार अपना सेवा जारी रखे हैं। हम भैया इसे एक बार ले गए चाहे लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। से लॉकडाउन शुरू हुआ है आपको देखा जा रहा है गरीब लोगों के साथ उनके जरूरत को पूरा करते हुए, क्या कारण है और क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सब ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाला चाह रहा है हमको गरीबों के साथ में रहने के लिए, गरीबों के साथ में हम हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कुछ पाने की उम्मीद से कर रहे हैं ऐसा कहना है आलोचकों का। देखिए क्या कौन क्या कहता है ये मेरा देखना काम नहीं है, क्या करना चाहिए ये मैं देख रहा हूँ। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, उनका बोलना है, सिर्फ अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो ऊपर वाला हमको साथ दिए हैं, हम कर रहे हैं। से हम लोग हर समय वितरण करते हैं कुछ ना कुछ। ये लॉकडाउन के पहले भी हम लोग बहुत कुछ वितरण किए हैं। ये काम हम ही से नहीं, हम अपने वर्षों से यहाँ पर कुछ ना कुछ करते आए हैं। कभी कमर वितरण हो या कभी साड़ी वितरण हो या छठ पूजा में सूप वितरण हो या गरीबों को दवा दिला देना है। गरीबों को प्रत्येक आप डे नाइट दवा दुकान में मेरे बारे में जाकर पूछिएगा कि हम पर महीना कितने रुपया उनको देते हैं दूसरे के दवाई के लिए। तो बोलना क्या है, हम हमारा कोई मानसा नहीं है, हमारा कोई ललसा नहीं है, जो हमको कोई एथी है। ये काम जो हो रहा है हम बहुत खुश हैं, ऊपर वाला हमको करने का मौका दिया है और हम लोग कर रहे हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हमको करने का शौक है, हमारे करने का दिल है, हमारे करने का उद्देश्य है, हम कर रहे हैं। लॉकडाउन 1 के दौरान कितने लोगों को आपने अपनी ओर से सेवा पहुंचाने का काम किया? 5,000 परिवार को हम लोग पहले ही पहुंचा दिए थे, 10-11 तारीख के पहले। लॉकडाउन का सीमा बढ़ चुका है, क्या गोपाल राउत भी अपने आप को क्या पीछे कर लेंगे? नहीं, अभी तक ले तो हम लोग लड़ रहे हैं, ऊपर वाला का पूरा सहयोग है मेरे साथ और ऊपर वाला कहीं देन से हम ये काज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसमें कोई राजनीतिक फायदा है क्या आपका? गरीब को भलाई करने में राजनीतिक फायदा लेना तो अच्छा नहीं है। अपने भाई को भलाई कर रहे हैं, अपने साथ में रहने वाले आदमी को भलाई कर रहे हैं, उस आदमी को भलाई कर रहे हैं जिसको साथ में हम कल थे। हॉटस्पॉट के नाम से जाना जा रहा है उत्तर 24 परगना और विशेष करके भाटपाड़ा शहर के कचरापाड़ा। हम लोगों को यही बोलते हैं, ये जो बीमारी है बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे सावधान रहना जरूरी है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। हमें कोरोना से लड़ना है तो घर में रहना होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भी फरमान जारी किए हैं वो हमी लोग के लिए है। जिस पोजीशन में हम लोग का भाटपाड़ा या कचलापाड़ा बोला जा रहा है, हम सभी भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग अपनों घरे से बिना कोई जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। हम सभी निवासियों उत्तर 24 परगना भाटपाड़ा से लेकर बैरकपुर से लेकर कचलापाड़ा तक सभी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ
कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे, सरकार सुरक्षित रहेगी, राज्य सरकार सुरक्षित रहेगी, केंद्र सुरक्षित रहेगा, या जाति या पार्टी किसी का बात नहीं है। हमें कोरोना से लड़ना है तो हर धर्म को लेकर, हर धर्म को मिलाकर चलना होगा और सभी हिंदू बंगाली बिहारी जितने भी लोग हैं आपस में राय बना लें कि हम घर में रहेंगे और घर में रहेंगे तो कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा और हमारा देश जीतेगा तो हम जीतेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय बंगला, सभी को नमस्कार। कोरोना से बचने के लिए उपाय करें कि मास्क पहने, भीड़ से बचें, बार बार हाथों को